धनतेरस का त्योहार जो कि सुख और समृद्धि का पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन सुख समृद्धि आती है और साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर को पड़ा है। आज के दिन दीप जलाने का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। अगर आप भी धनतेरस की रात इन 7 जगहों पर दिया जलाते हैं तो धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार को हमेशा के लिए भर देगी। तो कौन से है वो 7 जगह है और कैसे करना है यह उपाय आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक, बेल का वृक्ष। अगर आपके घर में धन संबंधी दिखते हो या फिर अगर आप धन की कामना कर रहे हो तो धनतेरस की रात में बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक आपको घी का ही लगाना है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दो, पीपल का वृक्ष। धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है और अगर इस दिन कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है तो उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। तीन, घर की चौखट। धनतेरस के दिन अगर आप अपने घर की चौखट पर दिया जलाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं आती और उस घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। इसलिए धनतेरस के दिन रात के समय घर की चौखट पर दीपक जरूर जलाएं। चार, कुएं के पास। धनतेरस के दिन रात के समय कुएं की पाल पर आटे के साथ दीपक बनाकर प्रज्वलित करने से कुबेर और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पाँच, ईशान कोण। धनतेरस के दिन घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रहे कि दिया आपको रुई की बाती की नहीं बल्कि रुई के जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करना है। दीपक जलाते समय इसमें कुमकुम या केसर डाल दें। दीपक को सीधे धरती पर ना रखें, सबसे पहले थोड़ा सा चावल धरती पर रखें, उसके बाद उसके ऊपर दीपक को रखें। तो उम्मीद है आपको ये हमारी बताई गई सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।